इंडियन हर्बल हेरिटेज उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivena Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज हम बात करेंगे अंडर आईज एरिया के डार्कनेस के बारे में, लोअर लिड्स का पफी होना, अपर आई लिड्स का पफी होना, क्रोस फीट और यहाँ के स्किन का श्रिंक होकर रिंकल्ड होना। ये सारे सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे आपको और सॉल्यूशंस इतने आसान हैं, 90% फ़ायदा तो आपको अपनी गलतियां सुधार कर ही मिल जाएगा और 10% जो सॉल्यूशंस रहेंगे जो आपको अपनाने पड़ेंगे उनसे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है कि आप अपने डार्क सर्कल से और अपने अंडर आईज एरियाज़ की जितनी भी प्रॉब्लम है वहाँ की त्वचा की और अपर आईलिड्स की पफिनेस की, इनसे छुटकारा पा लें। आज दिन तक आपने इसे बेहद कठिन समझा होगा लेकिन ये इतना कठिन नहीं है अगर आप यहाँ के स्किन की फिजियोलॉजी जान लें तो। दोष गुण प्रकृति विकृति, इजी स्टेप्स टू गेट फ्लॉलेस स्किन, स्लीप साइकिल, ये वीडियोस आप तक पहुँचाने का मकसद मात्र आपको आपकी शारीरिक और मानसिक संपत्ति से अवगत कराना था। कई लोगों ने ये वीडियोस देखकर अपनी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए और 100% इनकॉर्पोरेट किए, तो उन्हें उसका फ़ायदा भी मिला और उन्होंने हमें कई बार कन्वे किया अलग अलग तरीके से, क्योंकि इतने ज़्यादा इसके उन्हें बेनिफिट्स मिले जो उन्होंने सोचे नहीं थे। उन्होंने बालों की और त्वचा की सुंदरता के लिए ये लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए और उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में उसके फ़ायदे मिले त्वचा के और बालों के अलावा। कुछ लोगों ने पार्शली इन चेंजेस को अपनाया और उन्हें रिजल्ट्स मिले लेकिन वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे कि उन्हें चाहत थी। पार्शली प्रयास करना, लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना, ये साफ जताता है कि वे चाहते हैं कि वे स्वस्थ हो जाएं पूरी तरह से, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक होता है। जब आप 50% लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कब आप शून्य की ओर चले जाएंगे, कब आप वापस अनुशासनहीन हो जाएंगे आपको भी नहीं पता पड़ेगा। इसीलिए अगर आप अपना जीवन अच्छा चाहते हैं, बहुत सुंदरता आपकी त्वचा में और बालों में आप देखना चाहते हैं, तो इसी बहाने से ही सही आपका शरीर भी और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 100% लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करिएगा। डार्कनेस अंडर आईज एरियाज की क्यों आती है और इसे ठीक कैसे करें, ये जानने के पहले इसके पीछे क्या क्या कारण हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। आँखों के नीचे की जो त्वचा है और अपर आईलिड्स, ये बेहद पतली होती है। हमारी पूरी बॉडी स्किन और फेशियल स्किन की जो थिकनेस है वो 1.5 mm to 2 mm है और अंडर आईज एरियाज और अपर आईलिड्स की जो स्किन है ये इसकी थिकनेस 0.05 mm है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी पतली है। मात्र आपके वैस्कुलेचर और कैपिलरीज के ऊपर एक पतली सी फिल्म आपके स्किन की लगी हुई है, यही सच्चाई है। इसका एक और आपको बताएंगे कि आप कैसे इसे जान सकते हैं कि ये त्वचा बेहद पतली है। हमारे बॉडी स्किन में मसल्स कहीं भी ट्विच करती हैं, फड़कती हैं, तो हमें बहुत सूक्ष्म एहसास कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब मसल्स की ट्विचिंग होती है, जब फड़कती हैं मसल्स, तो हमें पूरा पूरा एहसास होता है और वो फड़कना हमें दिखाई भी देता है। जैसा मैंने अभी कहा कि वैस्कुलेचर और ब्लड कैपिलरीज का पूरा जाल इसी पतली त्वचा के नीचे है, तो उनमें ब्लड और न्यूट्रिएंट्स का जितना भी आदान प्रदान होता रहता है वो यहीं स्किन से ही हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ब्लड का जो कलर है वो ब्लूइश रेड की तरफ है, बहुत डार्क ब्लूइश रेड की तरफ है। तो जब ये आदान प्रदान होता है तो ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स बड़ी हो जाती हैं। उनका बड़े होने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो उनमें हो रहा है। जब ये आदान प्रदान होगा न्यूट्रिएंट्स का और ब्लड का पूरी तरह से ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज के बीच में, तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, तो इसीलिए वो ज़्यादा नज़र आती हैं आँख के नीचे की त्वचा से और उसी वजह से वो त्वचा का कलर बहुत डार्क नज़र आता है। अब ये ब्लड वेसल्स डायलेट
कब कब होती हैं ये जानना ज़रूरी है, जिससे आप इसके डायलेशन को भी सपोर्ट करेंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे ये भी बताएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट भी करने का प्रयास करेंगे। तो दो बातें जाननी यहाँ पर ज़रूरी हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों जो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम्स हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दोनों पहलू हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ जिससे आप भी डेप्थ में स्टडी करिए इसके बारे में। अगर आप अंडर आइज एरियाज़ की जो आपकी त्वचा है वहाँ पर आपको सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको भी स्टडी करना चाहिए, जिससे जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको आप पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमारी जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, इस पर हमारी नींद निर्भर करती है, और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमें एक्टिव बनाकर रखती है। अब जब शाम का समय होता है तो हमें हमारी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को शट डाउन करना होता है, वरना हम एक्टिव बने रहेंगे पूरे समय तक। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का एक मकसद है फाइट और फ्लाइट, मतलब वो हमें एक्टिव तो बना के रखता है, सिचुएशंस हैंडल करने के लिए हमारे शरीर को परफेक्शन देता चला जाता है, मतलब उसे भी मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें पूरी तरह से आराम मिलना और हमारी आँखों का बंद होना, शांत वातावरण होना, बिल्कुल साउंड प्रूफ एटमॉस्फेयर होना, तो हमारी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी और हमें गहरी नींद आएगी। अब इसी के लिए, जब हमें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को शट डाउन करना है, तो इसी के लिए ज़रूरी है कि दो घंटे पहले, सोने के 2 से 2.5 घंटे पहले हमें ब्लू लाइट, टेलीविज़न, ब्लू लाइट का मतलब है टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सब को बिल्कुल ऑफ कर देना है, उनको देखना भी नहीं है। ब्लू लाइट का मतलब है हमारी आँखें हमारी ब्रेन को मैसेज भेजती हैं कि अभी तो ये दिन की रोशनी है, आँखें उसे दिन की रोशनी समझती हैं उस ब्लू लाइट को, और हमारा ब्रेन मेलाटोनिन हार्मोन जो कि स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, जिससे हमें गहरी नींद आती है, उसको सिक्रीट करता ही नहीं है। जब तक आप आँख बंद नहीं करेंगे, वातावरण शांत नहीं होगा, आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं होगी, वो आपको गहरी नींद नहीं देगी। इसके अलावा ज़रूरी है इस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव करना और आपके शरीर को, आपकी त्वचा को हीलिंग मोड में ले जाना। इसके लिए एक बहुत बड़ी बात ज़रूरी है जो कि बहुत छोटी सी है, अगर आप अपनाने लगेंगे तो बड़ा आसान आपको लगेगा, कि आपका एक फिक्स टाइम सोने का होना चाहिए, एक फिक्स टाइम उठने का होना चाहिए, और फिक्स्ड आवर्स आपके स्लीप के होने चाहिए। तो फिक्स टाइम सोने का अगर आपने प्रण कर लिया है कि मुझे अपना शरीर और अपना मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा करना है, तो आप 9:30 बजे सोएंगे तो 10 बजे आपको गहरी नींद आएगी, आप 6 बजे उठेंगे। तो हर दिन आपके ये फिक्स्ड आवर्स होंगे स्लीप के और वेकअप के, तो आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सवेरे उठने की, 5:45 बजे आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी, और फिक्स्ड आवर्स होने की वजह से आपका शरीर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करेगा, दिन भर के हुए डैमेजेस, पास्ट में हुए डैमेजेस, इनको हील करने के लिए, और साथ साथ आपके आँखों के नीचे के काले घेरे भी एकदम ख़त्म होते चले जाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि आप अपने नींद को बल दें। तो इसी वजह से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम रात में एक्टिव हो जाएगी। अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो आपका वर्कआउट 2.5 घंटे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, और 1/2 घंटे मतलब 2 घंटा जब स्लीप को रह जाए तो उस समय आप शावर ले चुके होंगे, वरना आपका ब्रेन आपका शरीर पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, आपकी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव बनी रहेगी। अब जो लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, वे सरासर गलत कहते हैं, क्योंकि वो नींद की तैयारी तो करते ही नहीं, नींद को सही तरीके से बुलाते ही नहीं, ये चीज़ अभी आपने जान ली है। तो एक अहम कारण अनिद्रा है आपके आँखों के नीचे के ब्लड वेसल्स के डायलेट होने का, ये अब आपने जान लिया। दूसरा रीज़न है एलर्जीज़ का डेवलप होना। जब हम बहुत लॉन्ग आवर्स ड्राइविंग के लगातार हम पढ़ते हैं, या हम लगातार हमारे सिस्टम पर या ब्लू लाइट
ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं. अब ब्लू लाइट से आप लोग समझ जाएंगे कि मेरा मतलब मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और डेस्कटॉप है. तो ये सारी चीज़ें, या स्टिचिंग, निटिंग, कुछ काम जिनमें आँखों का पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है, वो आप लगातार जब आप करते हैं तो आपके आँखों का फ्लूइड ड्राई अप हो जाता है और धीरे धीरे आई ड्राइनेस से आप ग्रसित हो जाते हैं. जैसे ही ये फ्लूइड ड्राई होता है, कई प्रकार की एलर्जीज आपके आँखों के अंदर होने लग जाती हैं, डेवलप होने लग जाती हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि आँखों के नीचे की जो पतली त्वचा है वहाँ पर ईचिंग आपको होती है, और आप ईचिंग करते हैं एक उंगली से, पूरे हाथ से आप बहुत बेदर्दी से ईचिंग करते हैं. उससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ब्लड वेसल्स और डायलेट होती हैं, और उसके साथ साथ फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होकर ये जो पतली त्वचा है ये रिंकल्ड होने लगती है और डार्कनेस, जिद्दी डार्कनेस में बदल जाती है. इसके आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न आपको बताएंगे जिस पर आपका कोई काबू नहीं है, उसे इन्फ्लेमेटरी इवेंट कहते हैं, रोना. रोने से आपके टीयर डक्ट्स जो यहाँ पर हैं वो ओवर एक्टिव होती हैं, आंसू निकलते जाते हैं, आप पोंछते चले जाते हैं. अगर आप पोंछे ना तो भी वहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है आंसू निकलने के लिए, उसी से आंखों के नीचे और ऊपर की त्वचा पर स्वेलिंग आ जाती है, और आपका रोना बेशक बंद हो जाए, वो स्वेलिंग 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लेती है रिड्यूस होने में. स्वेलिंग क्या है, वहाँ पर फ्लूइड रिटेंशन हो चुका है. अब ये जो पतली त्वचा है, इसका सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर फ्लूइड है तो उसे फ्लूइड को बनाए रखने के लिए वो सरफेस एरिया उस पतली त्वचा का बढ़ गया, यानी कि वो त्वचा खिंच गई है पूरी तरह से. जब ये फ्लूइड रिड्यूस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, तो त्वचा वापस अपनी जगह पर जाएगी. लेकिन उसमें खिंचाव आ गया था, तो जब वो वापस अपनी जगह पर जाएगी तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाएगी और वो श्रिंक कर जाएगी. इसी वजह से रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं, और जो डार्कनेस ज़्यादा रोने से डेवलप होती है, ब्लड वेसल बहुत देर तक के डायलेटेड रहते हैं, तो ये ज़िद्दी डार्कनेस आपकी बदल जाती है, इसी में तब्दील होती चली जाती है, और फिर वो ठीक नहीं हो पाती है. तो रोना आपके बस में नहीं है, लेकिन आप इस पर काबू कर सकते हैं. प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से फ्लूइड रिटेंशन काफ़ी इस जगह पर होता है और पफिनेस बहुत लंबे समय तक बनी रहती है. साथ साथ ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहती हैं, उसका नतीजा ये होता है कि डार्क सर्कल्स भी डेवलप हो जाते हैं, और यहाँ पर चीक्स पर पिगमेंटेशन, यानी कि क्लोआज़मा, प्रेगनेंसी के पिगमेंटेशन को क्लोआज़मा कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है. जो आगे ट्रीट ना किया जाए तो वो पिगमेंटेशन, परमानेंट पिगमेंटेशन में तब्दील हो जाता है. अल्कोहल, स्मोकिंग, जिन्हें इनकी ज़्यादा आदत होती है, उनके अंडर आइज एरियाज़ की ब्लड वेसल्स हमेशा डायलेटेड रहती हैं और डार्क सर्कल्स उनके परमानेंट होते हैं. तो ये जो बातें हैं ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको इनसे दूर रहना चाहिए. इसके अलावा जब हम रात में सोते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि आप अपनी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करें तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर दें. कैसे करें, वो सारे प्रयास आपको मैंने अभी बताए हैं, तो वो आप बेशक करेंगे, लेकिन जब आप रात में सोएंगे, तो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एक ही पोस्चर में रहती है, लेफ्ट राइट बहुत लंबे समय तक रहती है, या एकदम सीधे अगर हम सोते हैं तो काफ़ी देर तक एक ही पोस्चर में हमारा शरीर रहता है. हमारा शरीर हीट रिलीज़ करता है और थोड़े डिस्टेंस पर वो हीट का एक लेयर सी बन जाती है, और साथ साथ अगर हम कुछ ओढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी मौसम क्यों ना हो, हम ओढ़ते हैं अगर कोई भी बेडशीट तो हम और कोजी हो जाते हैं. तो इस गर्मी की वजह से भी यहाँ की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं. तो इसी वजह से हम आपको ये बताते हैं कि जब आप रात में कोई बहुत अच्छा पोषण लगाकर सोते हैं तो उसका 100% फ़ायदा आपको मिलता है. ब्लड वेसल्स का डायलेट होने का मतलब है ब्लड फ्लो एक्सेस होना उस जगह पर. तो त्वचा के पास ही ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो भी चीज़ आप लगाएंगे वो 100% एब्जॉर्ब होगी और पूरी तरह से वो प्रॉब्लम आपकी त्वचा की, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, मुहांसों से लेकर डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन, वो ठीक होती चली जाएगी. लेकिन इसका नतीजा आंखों के नीचे ये होता है कि वो ठीक तो ज़रूर होती हैं, पर जब आप सवेरे सोकर उठते हैं तो 2 घंटे, 2.5 घंटे या 4 घंटे किसी किसी केस में डार्कनेस थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है और पफिनेस बनी रहती है. तो
इससे बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप पूरी नींद सो रहे हैं तो ये आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे जब आप ये देखेंगे कि आपने जो फिक्स आवर्स हैं स्लीप के, फिक्स टाइम है स्लीप का और उठने का जो फिक्स टाइम है उसको बनाए रखा है, तो यही डार्कनेस और यही पफिनेस सवेरे उठते ही आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे कभी थी ही नहीं। शुरुआत में आपको ये नज़र आएगी 2-3 महीने तक, उसके बाद ये खुद ब खुद ख़त्म होने लग जाएगी क्योंकि जो डायलेशन हुआ होगा वो सवेरे के समय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ब्लड वेसल्स का अपने आप। ये मिरेकल आप स्वयं देखेंगे अगर आप ये लाइफस्टाइल चेंज इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। आप जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की त्वचा पतली होती है, तो अगर आप बीच बीच में कोल्ड कॉम्प्रेशन लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोल्ड कॉम्प्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जब डिसाइड किया तब आपने आँखों के ऊपर कॉटन सॉप्स ठंडे या टी बैग्स ठंडे रख लिए, ये ऐसा सारे लोग करते हैं बिना जाने। इसका भी एक निर्धारित टाइम होता है। इसका कब टाइम होता है, मैंने अब आपको ये सारी बातें समझाई तो आप भी खुद सोच सकते हैं कि इसका परफेक्ट टाइम क्या हो सकता है। हमें हमारी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को शट डाउन करना है, तो शट डाउन करने के लिए हमें आँखें बंद करनी है, तो 2.5 घंटे पहले सोने के या 2 घंटे पहले सोने के हमें कोल्ड कॉम्प्रेशन लेना चाहिए। अब इसका दुगना फ़ायदा लेने के लिए हमें यहाँ पर फ्रूट क्रीम जो कि पूरी तरह से बटर से बनी हुई है, तो यहाँ की स्किन को कोलेजन सिंथेसाइज करने के लिए प्रेरित करेगी, तो हमें वो लगाकर फिर कोल्ड कॉम्प्रेशन लेना चाहिए। तो दोनों काम होंगे, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और यहाँ पर पूरी तरह से जो इसकी जो ठंडक है जो ड्राई कर सकती है यहाँ की स्किन को, तो वो ड्राई भी नहीं करेगी और ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी होंगी। यहाँ पर क्योंकि त्वचा पतली है तो नमी की वैसे ही कमी है। नमी की कमी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पूरी बॉडी स्किन और फेशियल स्किन के वनस्पत सेबेशियस ग्लैंड्स एकदम कम है। हमारी त्वचा मात्र एक ही मॉइस्चर सिक्रीट करना जानती है, वो है सीबम यानी कि तेल, नेचुरल ऑयल त्वचा का, और यहाँ पर वो बेहद कम सिक्रीट होता है। और आप ये एरिया को रब करते हैं, सोप अप्लाई कर लेते हैं, फेस वॉश अप्लाई कर लेते हैं, और यही नहीं इस डार्कनेस को, ये त्वचा को ठीक करने के मकसद से नाना प्रकार के पैक्स बना बना कर लगा लगा कर सुखाते हैं, तो जितनी नमी है वो भी गायब हो जाती है और ज़िद्दी डार्कनेस उस जगह आ जाती है। तो ये काम बिल्कुल ना करें। और कोल्ड कॉम्प्रेशन के रूप में आप बर्फ़ यहाँ पर लगाते हैं डायरेक्ट हैंकी में लपेट के, किसी पतले कपड़े में लपेट के, तो फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाते हैं, तो वो ब्लूइश आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना वहाँ पर ब्रूजेस आ जाते हैं, तो ये एक इंजरी है, इस हद तक इंजरी है यहाँ पर, ये पतली त्वचा सहन नहीं कर पाती है और ये ज़िद्दी डार्कनेस में तब्दील हो जाता है। इसीलिए ठंडक देने के लिए हमेशा कोल्ड कॉम्प्रेशन का इस्तेमाल, इतने थिक कॉटन सॉप्स आपके होने चाहिए और ये ठंडे होने चाहिए, और हमेशा इन्हें लगाकर आप अंडर दी फैन या एक एयर कंडीशन रूम में आप ज़रूर लेटे रहें, और नमी देना बेहद ज़रूरी है इनके नीचे, आँखों के नीचे की त्वचा को, ये भी आप अब कारण जान गए हैं। और समय है शाम का जब आप नींद को बुलावा दे रहे होंगे, दूसरा समय है जब आप सवेरे सो कर उठेंगे, उस समय ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहेंगी। क्यों रहेंगी ये मैंने कारण बता दिया है। तो सवेरे जब आप सो कर उठते हैं तो 1.5-2 घंटे के बाद आप फ्रूट क्रीम लगाकर कोल्ड कॉम्प्रेशन ज़रूर दीजिए। अब आप ये कहेंगे तो क्या हम पढ़ना बंद कर दें, आपने बताया कि पढ़ने से ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, ड्राइविंग से होती हैं, और हर एक काम जिसमें आइज़ का इन्वॉल्वमेंट है उससे ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं। जी नहीं, आप पढ़ना या अपनी कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल बंद मत करिए। हर 2 घंटे में आप आंखें बंद कर लीजिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उस दौरान आप गॉगल्स ज़रूर पहन लीजिए। अब आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हर 2 घंटे में अल्ट्राडियन डिप आता है, मतलब हमारी एनर्जी में डे टाइम में हर 2 घंटे में 20 मिनट के लिए एक डिप आता है, मतलब हमारी एनर्जी बहुत लो होती है, हमें फ़ील होता है हम जमा ही लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या हम फील करते हैं कि एक कप चाय मिल जाए या एक कप पानी मिल जाए या नींबू पानी पी लें, वो हमारा शरीर हमें बताता है कि रेस्ट, आप बैठ जाइए, आप आराम करिए, मुझे आराम की ज़रूरत है, फिर मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँगा। तो उस समय आप आँख बंद कर जाए, अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अपनी चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर लें, ऑफिस में लाइट्स ऑन है तो आप गॉगल्स पहन लें, 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप गॉगल्स पहन लीजिए। हर
दो घंटे में आप ऐसा करिए। आप होम मेकर हैं तो आपके तो घर के काम कभी जीवन में ख़त्म नहीं होने वाले, आप जैसा तो व्यस्त कोई नहीं है। तो आपको ज़रूरी है कि हर दो घंटे में आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ज़रूर लेट जाएं और आंखें बंद कर लीजिए, कमरे में अंधेरा कर लीजिए। इतना ही करने से कॉन्ट्रैक्शन आपके आँखों के नीचे के ब्लड वेसल्स का अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होने लगेगा और आपकी आई हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब इसके बाद डायलेशन होगा तो बहुत अच्छा ये जो वेरिएशन इन टेम्परेचर होगा और ये जो वेरिएशन इन एक्टिविटी होगी, इससे यहाँ की त्वचा में कोलाजन प्रॉपरली हमेशा बना रहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट डालें और हमें आपके लिए क्या क्या और भी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी चाहिए ये ज़रूर बताएं। जब आपके कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, लगता है जैसे कि मेहनत सार्थक हुई। अपने घर में किसी को भी इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उसके साथ बैठकर अवश्य ये वीडियो देखें। और अगर आपकी स्किन और हेयर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें 9554326609094152824407 इन नंबर्स पर व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हैं। और आप हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट www.juvenaz.com ज़रूर विज़िट करें, आपको अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गाइडलाइंस मिलेंगी, ब्लॉग सेक्शन ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक यू सो मच।